फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं मन आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज आपका भाई आया हुआ है बिलासपुर। तो बिलासपुर इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा घर है। ये देख सकते हैं मेरे घर के बैक साइड का एरिया। ये हमारी प्रॉपर्टी है जो कि इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कि मैं इन फ्यूचर अगर मैं यहाँ रहा तो यहाँ पे मैं अपना सेटअप डालूँ। और आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको विज़िट कराने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पिजन फार्म के ओनर से मिलाने वाला हूँ। और के ओनर है गुड्डू भी, उनका नाम है। वो मेरे बहुत ही अच्छे क्लोज़ फ्रेंड हैं और हम दोनों बहुत, जब से मैं उनसे उनको जान रहा हूँ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो आज उनसे मैं मिलाऊँगा आपको और बताऊँगा उनका कैसा पिजन फार्म है और सब चीज़ डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए चलते हैं बिना समय वेस्ट किए। Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. पर उनका सेटअप है पूरा, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं भैया के पास। तो गाइस, ये हमारे गुड्डू भैया जिनका छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेटअप है पिजन का। तो हम मिलने आए हैं इनसे आज और इनका सेटअप विजिट करने आए हैं। हमारा, हम दोनों का अगर बोला जाए तो रिलेशन बहुत बेहतरीन रहा है अभी तक के। 2-3 साल से हम एक दूसरे को जान रहे हैं और जब भी मैंने इनसे कोई पिजन लिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का पिजन इन्होंने दिया है। मेरे चैनल में आप देख सकते हैं जो वाइट पेयर मैंने लिया है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यू किया है, वो इन्हीं का देन था मेरे को। और मेरा शौक को पूरा करने वाले यही है क्योंकि ब्रीडिंग पेयर मेरे को मिल नहीं रहा था कहीं से। तो गुड्डू भैया ने मेरे को 100 पेयर दिया था और इनका सेटअप ऊपर दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं, चलते हैं भाई। ये है एंट्रेंस, यहाँ से ऐसे ऊपर जाते हैं और ये दो दो जन बच्चे देख रहे हैं। हाँ, ये देखिए, ये जो बच्चे हैं पहले बच्चे दिखाते हैं जाने का। और यही चिंटू पिंटू पूरा सेटअप का देखभाल करते हैं। भाई, अगर आप पिजन लवर हो और यहाँ पे अगर सेटअप आ रहे हो, मैंने आपके लिए पैराडाइज से कम नहीं है। तो ये देखिए सेटअप, मैं एंट्रेंस दिखाता हूँ। ये है हमारा ब्रीडिंग फार्म का एंट्रेंस और ये देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में इन्होंने फार्म बना दिया। ये देखिए, ये पूरा सेटअप पहले बाहर से चेक कराता हूँ आपको। ये देखिए केज बाय केज, इतना बड़ा एरिया। ये लाइट आने में थोड़ा लेट हो गया हमको, थोड़ा सा आने में लाइट थोड़ा डीम हो गया, फिर भी लाइट का सेटअप इतना है कि लाइट की कमी नहीं है यहाँ पे। ये देख सकते हैं, मैं बता दूँ एक बार और रिपीट करता हूँ, छत्तीसगढ़ में मेरे नॉलेज में जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, इतना बड़ा ब्रीडिंग फार्म मैंने अभी तक नहीं देखा है। और ये तो है ही, इनके पास एक और छोटा सा सेटअप इनके घर के छत पे है। तो बिना समय वेस्ट किए आपको बर्ड्स दिखाते हैं और आपका एंटरटेनमेंट चालू रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है अमेरिकन पेनटेल का सेटअप। ये देख सकते हैं क्या क्वालिटी है यार, क्या बोलूँ, क्वालिटी के नाम पे तो कोई भी कमी नहीं है। ये देखिए, ये ब्लैक लगता, देखिए मतलब चार चांद लगा देगा अगर आपके सेटअप में। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए लाइन से पूरा इनका सेटअप है। और ये देखिए बच्चे को, यही बच्चा है जो इनका पूरा सेटअप का देखभाल करता है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे अभी से पैशनेट है जो बर्ड्स के लिए। ये देखिए, ये देखिए एक अमेरिकन पेन टेल का मैं आपको देखिए क्वालिटी चेक कराता हूँ। ये देखिए भाई क्या साइज है इसका, देखिए। और ये अब हम लोग दे रहे हैं दाना, देखते कैसे बर्ड सब नीचे आते हैं। ये यहाँ पे चीज, ये देखिए यहाँ पे हमारा, ये इंडियन फेंटेल का है कि इंडियन फेंटेल का चीज है। इंडियन फेंटेल का देखिए कितना हेल्दी चीज है ये। और हो सके तो कोशिश करेंगे, अभी तो पैसे नहीं भाई, जब पैसे आएंगे तो जरूर बाय करेंगे इनसे एक और पेयर। एक पेयर मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ इनसे, वाइट पेयर मैंने जो आपको दिखाया मेरे बर्थडे पे, वो इन्हीं के यहाँ का पेयर मैंने परचेस किया है। और ये देख सकते हैं कितने प्यार से वो दाना खा रहे हैं। क्वालिटी देखिए भाई, साइज देखिए, ये अमेरिकन का साइज देखिए, ये कलर बहुत रेयर है। ये देखिए, ये क्वालिटी मेल है उसकी, फीमेल है ये, इसका ये मेल है, अंडे बैठा हुआ है। ये देखिए फीमेल उसकी, मैं चेक कराता हूँ। ये देखिए बहुत बेहतरीन कलर की फीमेल है।
ये तो पहला सेटअप है, सोच लो। चलो दूसरा, ये पहला सेटअप है अभी तो, एक इसके बाद लाइन लगी हुई है, दूसरे सेटअप में चलते हैं। ये है दूसरा सेटअप, यानी मतलब एंट्रेंस देखिए, मतलब सब में एक एक आने का जगह दिया हुआ है इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से, वेंटिलेशन का पूरा जुगाड़ है। ये देखिए, ये दिखाइए कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपने बर्ड्स के लिए, मतलब बर्ड्स को कोई भी दिक्कत ना हो करके इतना, देखिए कितना अच्छा सेटअप करके रखा है इन्होंने। इसको बोलते हैं एक ट्रू पेट लवर का निशानी भाई, सीधा बात। और ये देखिए, ये है दूसरा सेटअप, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब देखिए भाई क्या क्वालिटी के बर्ड्स हैं यहाँ पे, ये पाउडर से देखिए, ये देखिए यहाँ पे पूरा दाना लेते हैं अमेरिकन, देखिए ये क्या क्वालिटी का अमेरिकन है ग्राउंड में। और ये पाउडर देखिए भाई, इसका साइज देखिए, आपको साइज ऐसे पता नहीं चलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको साइज क्या है। इतने बड़े साइज में आपके पिजन है कि हाथ में पकड़ में नहीं आ रहे, बताइए इसका पाउड देखिए भाई, मतलब पाउड तो और करेगा भी छोड़ेंगे, इतना खतरनाक चीज भाई। इसका साइज देखिए, साइज ये देखिए, मैं बता रहा हूँ हाथ में, अगर आप देख सकते हैं 1 फीट से ज्यादा है भाई, क्या बताऊँ क्या क्वालिटी है यहाँ पे, मतलब दिल खुश हो गया है जाके भैया आपका फार्म देख के। भैया कुछ बोलना चाहेंगे? सभी को अच्छे से कबूतर पालना चाहिए, अच्छा देखभाल करना चाहिए, कुछ नहीं है, जो लोग डरते हैं ना बीमारी वगैरह से, कोई ऐसा परेशानी नहीं है, वैक्सीन करना चाहिए। आप अगर अपने बर्ड का अच्छे से ख्याल रखेंगे तो बीमारी बिल्कुल नहीं आएगी। साफ सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन इतना बड़ा फार्म है फिर भी यहाँ पे इतनी एक भी फॉल स्मेल नहीं आ रहा है, एक भी फॉल स्मेल नहीं, बकायदा साफ सफाई। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए ये मेरे मेन सपोर्टर है, ये सपोर्टर्स हैं हमारे, ये देखिए ये फार्म का मतलब पूरा ख्याल रखते हैं, ये देखिए कितना बेहतरीन। तो भाई ये देखिए, मतलब ये है कबूतर में तितली, भैया के बोलने के हिसाब से तितली, मतलब इतना छोटा भाई, इसको बोलते हैं शॉर्ट फेस। ये देखिए इसका फेस देखिए, इतना प्यारा। ये अभी ये सेल के लिए है, मिल जाएंगे आपको। ये देखिए कितना छोटा साइज है, मेरे हाथ देखिए, ये हाथ और ये देखिए, ये पूरा हाथ में आ गया, इतना छोटा और इतना प्यारा क्वालिटी है इसके, देखिए फेस का, इसको बोलते हैं शॉर्ट फेस। और ये है भाई, ये है चीज बहुत खतरनाक, ये इसका नाम क्या है भूल गया मैं, क्या चीज, स्विफ्ट गोल्ड, ये है स्विफ्ट गोल्ड। स्विफ्ट गोल्ड बहुत रेयर ब्रीड है, मिलती बहुत कम है, मेरे हिसाब से बहुत कम मिलती है। इसका फेस चेक कीजिए, ये देखिए ये फेस चेक कीजिए, इसका कलर चेक कीजिए। और ये है भाई शो का स्टार, ये भी है जोरदार, ये है अपना अमेरिकन, ये देखो क्या साइज में, ये देखो मतलब ये मेरा हाथ देखो, इसका चेस्ट मेरे हाथ से बड़ा है भाई, चालू करके आया हूं भैया का, ये देखिए ठीक है। स्टैंड्रम दिखाते हैं आपको, एक ये देखिए स्टैंड्रम देखिए, बाप रे, ये देखिए, ये भी बहुत लोगों के पास है। देखिए इसका बीक देखिए, ये कुछ अलग ही वैरायटी इनके पास, तो इसको छोड़ते हुए तो ये दिखाना चाहूँगा मैं, ये चील पर आपको, मतलब इसके बूट का साइज मैं चेक कराता हूँ भाई, मतलब एक्सट्रीम साइज है भाई, सच में क्वालिटी के नाम पे क्या बोलूँ, मतलब कोई भी A to Z आप देख लीजिए, कोई कमी नहीं। ये पैर का साइज देख लीजिए इसका, ये बूट के साइज देखिए कितने बड़े साइज है, ये देखिए मतलब मेरे पूरे हाथ के बराबर इसके बूट के साइज है। और भी है, अभी ऐसा नहीं, अभी खत्म हुआ, अभी दूसरे सेक्शन में चलते हैं। तो भाई ये सेक्शन है पूरा रेसर का, लाइट थोड़ा खराब हो गया उसके लिए माफी चाहूंगा। और ये देख सकते हो पूरा यहाँ पे जितना भी ब्रीड है, ये सब रेसर के ब्रीड का है, मतलब लंबी से लंबे उड़ान करेंगे आपके पास जाएंगे तो। और रेट आपको, रेट क्या है भी इनका, ₹1000 पीस है ये, है ना? ये कहाँ से बाहर इम्पोर्ट कराए भैया, इसको कहाँ से मंगवाए? कनाडा से, केरल से लिया। ये सब केरल से इंपोर्टेड है ना, इंपोर्टेड माल है। रिंग पहना मेरे घर, अच्छा पूरा रिंग, रिंग ये सब पूरा रिंग बर्ड्स में आते हैं, है ना? और भी इनका एक सेटअप है, एक बार मैं कवर कर चुका हूँ, फिर भी अगर मेरे को समय मिलेगा तो दूसरे बार मैं एक बार फिर से कवर करूँगा। रेसर एक बेस में जो सबसे तगड़ा, जो लंबा उड़ता हो, एक पकड़ के बताइए कौन है जो सबका राजा है। तो भाई
भाई ये है मतलब इतने हेल्दी बर्ड है कि पकड़ना मुश्किल है। तो भाई ये है हमारा राजा, इसके बारे में कुछ बताइए भैया। मैं तो चांपा छोड़ चुका हूँ ये, मतलब इसको चांपा से छोड़ा गया, सोचिए छोड़ा गया इसको और यहाँ से यहाँ तक भी ये कितने दिन में आ गया भैया? मेरे कहने 4 घंटे में। ये 4 घंटे में सोच सकते हैं चांपा से डिस्टेंस इसका कवर आगे होगा। मैं 4 घंटे में आया था कार से, तो पता चला मतलब इन्होंने चांपा छोड़ा था और कार में पहुंचते तक ये ऑलरेडी यहाँ आ चुका था। तो ये देख सकते हैं इसका रेसर का क्वालिटी भाई। ये अगर मैं लूँ तो अगर इन फ्यूचर हो तो मैं इसका एक बच्चा अच्छी के बाय कर सकता हूँ। ये पडरिया से छोड़ा था इसको, ये पडरिया से छोड़े थे और ये आया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए इसका पडरिया से। बाप रे, मतलब डिस्टेंस कितना होगा भैया एक हिसाब से बता दीजिए। 100-150 किलोमीटर मतलब मान के चलिए इतने दूर से कबूतर मात्र 3-4 घंटे में आ चुके हैं। तो मतलब रेसर की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे सेक्शन में। ये पूरे इम्पोर्टेड ब्रीड के पिजन्स है और ये अभी माल अभी कम है इनके पास, अभी और भी माल इम्पोर्ट कराने वाले हैं, वो भी बाहर से आने वाले हैं, केरल से आएंगे, बहुत अलग अलग जगह से ये माल इम्पोर्ट कराते हैं। तो ये सब टोटल सब इम्पोर्टेड माल है। क्वालिटी को आपको मैं चेक कराता हूँ एक एक बर्ड पकड़ के, मतलब देखो भाई क्या क्वालिटी है भाई, ये चीज चेक करो भाई, ये दिल खुश हो गया इसको। अभी आया ना, बड़ा नहीं मिलेगा, बच्चे मिलेंगे ये इसके, बस चीक मिलेंगे। ये क्वालिटी देखो भाई इसकी, ये देखो, ये देखो, ये इसका फेस है और ये पूरा इसका क्वालिटी, इसमें इसमें ये मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये दोनों, ये देखो क्वालिटी देखो, जूम करके दिखाओ। इसका भी आँख के साइड ड्रीम किया हुआ है, सब ब्रीडिंग पर्पस के, इसके चीक मिलेंगे आपको, है ना। तो ये अभी तो माल अभी कम है, जैसे ही पूरा माल आएगा तो आपको जब लॉट और आएगा। कहाँ से इम्पोर्ट कराएंगे भैया ये? केरल से। ये सब पूरा केरल का माल है, इधर उधर, इधर पूरा लाहौरी से बाले और क्या बोलते यूरोपियन, पूरा इसमें हो गया यूरोपियन और लाहौरी सिराजी, ये सेक्शन में रहेंगे पूरे। अभी कुछ नहीं है तो मैं आपको दिखा, इनका शौक देखिए भाई, मैं बताता हूँ, मैं इनको मात्र शौक हुआ बजिश पालने का, थोड़ा सा केस देना छोड़ के उनको पूरा लॉफ्ट दे दिया है। मैं दिखाता हूँ, आइए चेक कराता हूँ। ये देखो भाई, ये अगर चाहते तो इनमें इसमें रख सकते थे, बट इन्होंने ये पूरा लॉफ्ट इनके नाम कर दिया है। मतलब इतना बड़ा शौक मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई। ये 1 BHK से डायरेक्ट इन्होंने इनको महल दे दिया है। क्यों गाइस, यहाँ के हेल्दी चिक्स ये देखिए अभी से इतना खुखा रहा है, ये देखिए क्या क्वालिटी है भाई, सच में इतना हेल्दी चिक है। ये दिखाता हूँ मैं आपको कितना क्वालिटी का चिक निकाला है इन्होंने। और ये एक और पेयर है इनका, यहाँ पे इनके बेबीज हैं, ये देखिए बेबीज कितना हेल्दी चिक निकाला है इन्होंने, क्वालिटी का। पैर के बूट अभी से देख सकते हैं क्या क्वालिटी के हैं। और यहाँ पे अमेरिकन एक पेयर एग के साथ बैठा हुआ है, ये देखिए इसकी फीमेल, ये देखिए एक अंडा दिया हुआ है इन्होंने, हाँ। और यहाँ पे है एक हमारा इंडियन का पैर, फैन टेल का पेयर, ये फीमेल शायद बैठी हुई है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये शायद देने वाली है अंडा या फिर ऐसा है। गाइस कैसा लगा सेटअप भैया का, आप कमेंट करके बताइएगा चैनल पे हमारे। और कुछ भी अगर आपको इनमें से परचेज करना है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर तो मैंने दे दिया अपना, और अगर आप चाहें तो आपका नंबर इनका नंबर मैं डायरेक्ट दे सकता हूँ। बट इनको भेज अगर इनका परेशान बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका बहुत कुछ और भी काम रहता है। कई लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे पूछने के लिए फ़ोन करते हैं और अपना समय तो वेस्ट करते ही करते हैं और दूसरे का भी करते हैं। वो देखिए पाउडर का एक क्या क्वालिटी है, फुल ग्रोथ में। अब देखिए इसका पाउड देखिए, ऐसी क्वालिटी देखना थोड़ा रेयर है, ऐसा ब्रीड हर किसी के पास मैं नहीं देखता, क्योंकि इनका प्राइस ही कितना, कितने प्राइस में आते भी 15-16 अच्छे क्वालिटी का पेरा, एकदम टॉप क्वालिटी का लोगे तो और 20,000 जाएगा, लेकिन एकदम लो क्वालिटी का लोगे 5-6,000। तो देख सकते हैं इतना अच्छा क्वालिटी है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इतने मेहनत से हम लोगों ने वीडियो बनाया आके, और यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो रखा है क्योंकि बिलासपुर में बहुत गंदे से गर्मी पड़ रही है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और भैया कैसे लगे हमारे, और इनको इनके साथ हमारा वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, और इनको इन्होंने अपने बर्ड फ्लू का प्यार से रखा हुआ है वो देख के कैसा लगा वो बताइएगा।
तब तक के लिए होगा, अपने तरफ से कुछ कमी छूटा होगा तो समूह बिल्कुल कमेंट कीजिएगा तो हम लोग सुधारेंगे उसको, और ऐसे ही हमको सपोर्ट कीजिए। और इनके अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी इनका जब लौट आएगा तो हो सके अगर मेरे से अगर मेरे से हो पाया तो मैं यहाँ के फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, तब एक एक चीज़ का डिटेल मैं दूंगा। कोशिश भी चालू है अपना, कोशिश अपना चालू है, अभी कुछ नहीं है, टेंशन मत लीजिए। इससे और भी चीज़ें आपको देखने मिलेगी, तो बने रहिएगा चैनल में ऐसी। भाई वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही था, बाय बाय।